So, hey guys, welcome back to Sweet Chilies. मैं हूं रुधीर, कैसे हैं आप लोग? Guys, आज हम लोग खान सर की न्यू वीडियो देखने वाले हैं. वैसे कल भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके प्लीज़ देख लें. खान सर की वीडियो है, ठीक है, लेटेस्ट वाली, और ये ब्रांड लेटेस्ट है. ठीक है, तो ATM कार्ड, प्लास्टिक कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्लास्टिक मनी, वीज़ा, रुपे, मास्टर कार्ड, कार्ड नेटवर्क. ओके, तो सर आज हम लोग को प्लास्टिक मनी यानी कि कार्ड मनी के बारे में बताने जा रहे हैं. तो यार आई होप ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है. वैसे खान सर हैं और वीडियो इंटरेस्टिंग ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता. चलो यार वीडियो एंजॉय करते हैं. जय हिंद. आज हम लोग प्लास्टिक मनी के बारे में समझते हैं जिसमें ATM आता है. ATM को बेसिकली क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में डिवाइड करते हैं. इनमें क्या अंतर होता है और ATM पर देखते होंगे वीज़ा, मास्टर कार्ड या रुपए लिखा होता है, इनमें से कौन सा बेटर होता है और भारत सरकार ने और RBI ने किस नियम के तहत मास्टर कार्ड को नए कार्ड इशू करने पर बैन लगा दिया है. देखिए ATM जो होता है इसका पूरा नाम होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन. इसकी खोज 1967 में इंग्लैंड में की गई थी, लेकिन खोजकर्ता का नाम था जॉन सेफर्ड बॉरन. इनका जन्म 1925 में भारत के मेघालय राज्य के शिलोंग में इनका जन्म हुआ था. तो इनके खोजकर्ता अगर इनका देखेंगे तो ये भारतीय थे. आज ATM का बहुत ज़्यादा यूज हो गया. अब इस ATM कार्ड में दो टाइप के बेसिकली कार्ड देखने को मिलता है, डेबिट कार्ड. डेबिट कार्ड क्या होता है? देखिए ये हमारे पैसा खुद के बैंक में जमा पैसे को निकालने का एक रास्ता होता है. कार्ड और किसी भी टाइप की ATM में तो पैसा नहीं होता, हमारे अकाउंट में रहता है, अकाउंट में ख़त्म. ATM किसी काम का नहीं रहता. पहले ज़माने में क्या था कि पैसा निकालने के लिए आपको बैंक में जाना पड़ता था. वहाँ विड्रॉल फॉर्म कर बना भर के दीजिए तो बैंक देगा, या फिर आप चेक साइन करके दीजिए किसी भी बैंक में तो आपको पैसा दे देता था. इस सिस्टम की एक अच्छाई थी कि ये सिक्योर रहता था, हैक वगैरह नहीं होता था. लेकिन इसकी सबसे बड़ी खराबी थी ये तभी काम करेगा जब बैंक खुला रहता था, और इसमें प्रोसीड करने में काफ़ी लंबा टाइम लगता था. चेक से तो काफ़ी लंबा टाइम हो जाता था. और संडे के दिन ऑफिशियली बैंक बंद रहते हैं, छुट्टियों के दिन, त्यौहार के दिन, रात के टाइम पे, तो आप इसे 24 घंटे नहीं बैंक पैसा निकाल सकते थे. तो इसी के लिए ATM काम आया. ATM के लिए क्या है कि आपको बैंक में नहीं जाना पड़ेगा. अब एक बैंक को सेटअप करने में काफ़ी खर्च आते हैं, उसकी बिल्डिंग्स, उसका पावर बैकअप, उसके स्टाफ मैनेजमेंट, काफ़ी खर्च आता है. जबकि ATM बैठाने में कुछ नहीं जाता है. एक ब्रांच जितने में बैठ जाता है उतने में 50 ATM लग जाएगा और पैसा सेम निकलेगा जितना देगा वहां पे. तो इससे एक काफी अच्छा सिस्टम काम करने लगा यहाँ पर. इसे इस बैंक जो हमें ATM कार्ड देती है उस पे डेबिट कार्ड लिखती है. तो डेबिट कार्ड हमारे पैसे निकालने का एक बहुत सुपर फास्ट माध्यम हो गया. ये दिन रात पैसे निकाल सकते हैं, इससे 24 घंटा और सातों दिन निकाल सकते हैं, 365 दिन आप इससे पैसे निकाल सकते हैं. तो ये काफी अच्छा फायदा हो गया. इसमें भी हम उतना ही पैसे निकाल सकते हैं जितने अपने अकाउंट में. अब आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए, आप सोचेंगे 2.5 लाख निकालने, नहीं निकालने का, क्योंकि भैया ये केवल आपके अकाउंट के पैसे निकालने का रास्ता है. इसलिए आप देखेंगे जब भी आप एक बैंक में खुलवाते होंगे खाता, आपको ATM कार्ड दिखता है और उस पर डेबिट ही देता है, वो क्रेडिट कार्ड आपको नहीं देता है. क्रेडिट कार्ड लेने के लिए कुछ आपको टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, उसको फुलफिल करेंगे तभी मिलता है. डेबिट कार्ड ज़्यादा सिक्योर माना जाता है क्रेडिट कार्ड की तुलना में, क्योंकि डेबिट कार्ड पर आप देखेंगे कई सिक्योरिटी होती है. 16 अक्षर का तो पहले इसका आपका ATM कार्ड नंबर होता है, फिर उस पर एक्सपायरी डेट ये पता होना चाहिए, पीछे जो होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू यानी CVV नंबर, एक स्टिकर साट के उस पर 3 अक्षर लिखा रहता है. ये सिक्योरिटी लेवल जो होते हैं उतने मजबूत नहीं होते, क्योंकि अगर आपका ATM कार्ड सड़क पे गिर गया तो जो माय मिलेगा उसको ये तीनों सिक्योरिटी तो पता ही चल गया, ATM नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV नंबर. लेकिन जब वो पैसा निकालने जाएगा तो उसको पिन की ज़रूरत होगी जो आपको मेमोराइज करके रखना पड़ता है, याद करके. तो आप ही को पता है, तो पिन जब तक नहीं डालेंगे पैसा नहीं निकलेगा. लोग पैसा निकालने के बाद ना इंडिया में क्या करते हैं लोग, ना वो कैंसिल बटन वहाँ को पैसा निकाल लेंगे, देखेंगे कोई नहीं देख रहा ना, खट 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 कैंसिल बटन वहाँ डालेंगे 20 बार संतुष्टि के लिए, हाँ आप कोई नहीं निकाल सकता. भाई वो ATM मशीन केवल एक ही बार काम करती है, एक पासवर्ड डाले तो आप ही का ATM क्यों ना हो, वो दोबारा आप फिर पैसे निकालेंगे तो पासवर्ड मांगेगा ही मांगेगा. तो इसके लिए कोई डरने की बात नहीं होती है. अब देखिए मान के चलिए वो इंसान आपका ATM मिल गया, उसको ATM में जाके कहता है कि भैया वो पिन को सोचता है चेंज कर दे, मतलब फॉरगेट पिन करके वो चेंज करना चाहेगा. तो फिर उसके लिए भी रास्ता है कि जो आप अपने बैंक में मोबाइल नंबर दिए होंगे उसी मोबाइल पर 1 टाइम पासवर्ड यानी OTP आएगा, वो 10 मिनट में एक्सपायर हो जाता है. OTP सिंगल टाइम के लिए होता है. तो इसमें काफ़ी सिक्योरिटी होती है, विदाउट आपके परमिशन इसे नहीं ले सकता है. लेकिन क्रेडिट कार्ड में सिक्योरिटी थोड़ी सी मतलब कॉम्प्रोमाइज हो जाती है. अब हम क्रेडिट कार्ड को समझते हैं. क्रेडिट कार्ड क्या चीज़ है? पहले के ज़माने में हमें लोन लेने के लिए अपने रिश्तेदार,
या फिर ऊंचे दाम पर जो ब्याज पे देते हैं लोग, महीने का 5% 10% वहाँ से लेना होता है, जबकि बैंक काफी सस्ता लोन देती है। अब अपने गांव में लीजिएगा 5% हर महीने ले लेगा, साल भर में 12% और बैंक में जाइएगा तो 10-12% वो साल भर का लेती है। तो बैंक का लोन काफी सस्ता होता है, लेकिन लेने में बहुत झमेला होता है, 15-20 दिन लग जाएगा। अब आपको 50,000 रुपये की जरूरत है, एक हफ्ते में आपको जरूरत है, तो आपको एक हफ्ते बैंक में मैनेजर का चक्कर काटने में लग जाएगा। फिर वो कहेगा मॉर्गेज दो, इसके बदले में कुछ सिक्योरिटी रखो, गहना रखो, या फिर मान के चले जमीन गाड़ी या सब, बड़ी सब तामझाम होता है, 15-20 दिन लगा देता है, और उसके बाद से घूस घास लेना पड़ता है। तो इसी सब को सुलझाने के लिए एक ऐसा फास्ट फॉर्मूला निकाला गया कि हचाक से आपको क्या मिल जाए, लोन मिल जाए, कर्जा। तो हचाक से लोन देने वाले कार्ड को कहते हैं क्रेडिट कार्ड। इसमें आपका पैसा नहीं है, याद रखिएगा, ये पैसा लौटाना पड़ेगा। तो जो बैंक से जाके मांगते थे ना, अब वो आपको क्रेडिट कार्ड में मिल जाएगा। तो ये क्रेडिट कार्ड सबको नहीं मिलता है, जिस ग्राहकों पर बैंक को बिलीव होता है कि ये मेरा पैसा लौटा देगा तो उसको वो क्रेडिट कार्ड देती है। अब उस क्रेडिट कार्ड से वो जब चाहे रात दिन 24 घंटा जब चाहे वो लोन निकाल सकता है वहाँ पर। लेकिन इसमें भी लोन की लिमिट होती है, शुरुआत में कम लिमिट दिया जाता है 25,000 का, धीरे धीरे उसको 50,000, 1,00,000, 2,00,000, ऐसे करते करते 3,00,000 तक के आपको लिमिट को क्रेडिट कार्ड में दे दिया जाता है। तो आप बिना बैंक में गए, बिना अपने रिश्तेदार से मांगे, बिना किसी को ब्याज दिए हुए आप घचाक से पैसा निकाल सकते हैं क्रेडिट कार्ड की मदद से। और 30-40 दिन तक आपको इस पर 1 भी रुपये ब्याज नहीं देने पड़ते हैं। अब ये डिपेंड करता है अलग अलग बैंकों के रूल पर कि वो 30 दिन दे रही है 40 दिन, पैसे के अमाउंट पर भी डिपेंड करता है, ज़्यादा पैसा है या कम पैसा है, मतलब ओवरऑल 30-40 दिन रहता है। कितना अच्छा है, मान के चलिए हमें 50,000 की इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ी, बैंक से लोन लेने जाएंगे, इस ब्याज लेगा हमको, अपने रिश्तेदार से मांगेंगे तो एहसान थोप देगा हमको, साहूकार से मांगेंगे तो 5% का ब्याज मांग देगा। उससे अच्छा अगर मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, धड़ाक से निकाल, मान के चलिए किसी को हॉस्पिटल में दिखाना था, 50,000 की ज़रूरत थी हमको इमरजेंसी इलाज के लिए, डॉक्टर साहब को उसी क्रेडिट कार्ड से बिल पेमेंट कर देंगे, 40 दिन बाद हम बैंक को दे देंगे, बैंक भी हमसे ब्याज नहीं लेगी। तो ये काफ़ी अच्छा होता है क्रेडिट कार्ड। अब क्रेडिट कार्ड की भी कुछ अच्छाई और कुछ खराबी होती है, ये आपको जानबूझ के दिया जाता है आपकी आदत बिगाड़ने के लिए। अब इसकी कुछ अच्छाइयाँ समझते हैं। देखिए, क्रेडिट कार्ड में हमें कैशबैक अक्सर मिल जाते हैं ऑफर, कि आप 100 रुपये का सामान खरीदिए 10 रुपये कैशबैक मिल जाएंगे। तो डेबिट कार्ड की क्रेडिट कार्ड पर ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग क्रेडिट कार्ड से बहुत सही है, कुछ रिवार्ड्स पॉइंट्स मिलते हैं, और अक्सर ऐसे ऑफर आता है कि अगर आपको क्रेडिट कार्ड के 100 पॉइंट्स हैं तो आप ये सामान खरीद के ले जा सकते हैं। तो पैसे नहीं, उसे पॉइंट्स चाहिए। अब ये पॉइंट कैसे आते हैं, तो पॉइंट्स को अर्न किया जाता है। जैसे आप जब भी क्रेडिट कार्ड से कुछ शॉपिंग कीजिएगा तो आपको 2-4 पॉइंट्स मिल जाएंगे, कभी जहाज का टिकट बुक करिएगा 10 पॉइंट मिल जाएंगे। तो ऐसे ऐसे पॉइंट कलेक्ट करके अगर आपके पास 100 पॉइंट हो गए तो आपको तो उस 100 पॉइंट खरीदने के लिए पैसे नहीं ना देने पड़े, आप किसी और चीज़ को खरीदे थे, वो आपको ये चाहे ऑफर दिया था, अब जब ये कलेक्ट हो गया तो इसका यूज करके आप कोई और चीज़ भी ले सकते हैं। इसके साथ आपको कभी कुछ बोनस कूपन मिल जाता है, साथ ही कभी फ्लाइट टिकट या फिर कोई भी बुकिंग कीजिएगा क्रेडिट कार्ड से तो ज़्यादा सस्ता होता है, डेबिट कार्ड से थोड़ा महंगा होता है। और फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर भी देखिए कभी ऑफर आता है कि क्रेडिट कार्ड पर लीजिएगा तो 5,000 और छूट मिल जाएगा, डेबिट कार्ड पर छूट नहीं मिलता है। साथ ही कुछ ऐसे भी चीज़ें होती हैं जो जिसका पेमेंट केवल आप क्रेडिट कार्ड से ही कर सकते हैं, वो डेबिट कार्ड से पैसे ही नहीं लेते हैं। हालांकि ऐसी चीज़ें काफ़ी कम होती हैं लेकिन वहाँ रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, तो यहाँ तो क्रेडिट कार्ड का फ़ायदा है। लेकिन मेन काम क्या होता है, क्रेडिट कार्ड आपको बिगाड़ने के लिए दिया गया रहता है। बैंक चाहती, बैंक को इनकम आपके आप ही से होता है, आप जितना लोन लीजिएगा ब्याज दीजिएगा बैंक को पैसा हो जाएगा, वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपको कैसे करती है। देखिए इसके कुछ घाटा समझिए, आपको क्रेडिट कार्ड में पैसा आपका नहीं है इसलिए गलती से भी इससे आप कैश मत निकालिएगा, क्योंकि कैश निकालने पर पेनाल्टी फीस काफ़ी ज़्यादा लगती है। हाँ, इससे आप शॉपिंग कीजिए, बिलिंग कीजिए, कैश निकालने से बेटर है उसी इंसान से पूछिए कि भैया तुमको कितना चाहिए, 2,000 लाओ हम क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देते हैं, कैश निकाल के 2,000 मत दीजिए, वरना कैश विड्रॉल पेनाल्टी चार्ज लगता है। पहला, दूसरी खराबी, अगर आपने इससे 30 या 40 दिन वाला लिमिट क्रॉस कर दिया तो क्रॉस करने के बाद बड़ा हैवी इंटरेस्ट जोड़ता है सब इस पे। तीसरा खराबी, ये सिक्योर उतना नहीं होता है। जैसे आप मान लीजिए शॉपिंग करने गए, 20,000 का सामान खरीदे तो आपको वो बिलिंग दिखा देगा 20,000 का, तो आप देख लीजिए हाँ 20,000 है ना, अब इसमें आप स्वाइप कीजिए कार्ड को, और स्वाइप करने के बाद वो पैसा नहीं कटेगा, आपको इसमें पिन डालना पड़ेगा, पिन डाल के आप कार्ड निकाल लीजिए, आपका 20,000 कट गया। लेकिन पिन डालने की ज़रूरत केवल डेबिट कार्ड में है, क्रेडिट कार्ड में पिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ता है, खाली घचाक से सरकाइए वो बिल काट लेता है। तो अगर आपका क्रेडिट कार्ड गिर गया कहीं तो कोई भी पाएगा तो सीधे जाएगा कुछ शॉपिंग करके खचाक खचाक निकाल लेगा।
तो आपका अगर इसमें भी पिन की सुविधा होनी चाहिए, बहुत कंसर्न की बात है, इसलिए क्रेडिट कार्ड को तुरंत बंद करना चाहिए। डेबिट कार्ड गायब भी हो गया तो पिन नहीं पता है तो वो किसी काम का नहीं, इसलिए आप देखिएगा डेबिट कार्ड की तुलना में क्रेडिट कार्ड को बंद करना या ब्लॉक करना काफ़ी आसान होता है। इसके साथ ही आपके खर्च को बढ़ा देता है। जैसे मेरे डेबिट कार्ड में अगर 10,000 रुपये है तो हम चाह के भी 11,000 का सामान नहीं खरीद पाएंगे। शॉपिंग करने गए तो मन मार लेंगे यार 10,000 रुपये है, चलो 9,000 का खरीदते हैं, 1,000 इमरजेंसी के लिए रखते हैं। लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड रहेगा तो कहेगा इस ससुरा हमारा तो लिमिट है, मैं 50,000 60,000 1,00,000 तक का तो बैंक के दे देगा, 10,000 का खरीदना चाहिए, वहाँ अक्सर आदमी 12,000 का खरीद लेता है। तो क्रेडिट कार्ड वालों को देखिएगा, इसका प्रचलन छोटे मिडिल शहर या गाँव में नहीं है, लेकिन दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में देखिएगा क्रेडिट कार्ड वाले हमेशा, उनकी महीने की तारीख सैलरी मिलेगी 1 तारीख को, वो 10 तारीख तक सैलरी खत्म कर देंगे, उसके बाद वो क्रेडिट कार्ड पे घूमने लगेंगे, खर्चा करते हैं, तो इसे आपके खर्च को बढ़ा देता है। और आजकल का मॉडर्न कल्चर में ना लड़का लड़की के मैटर का फायदा बैंक भी उठा रहा है। नया नया जिसका जॉब हो रहा है या नए यंगस्टर को क्रेडिट कार्ड दे दो, अब वो क्रेडिट कार्ड में जाएगा उसको गिफ्ट देगा। अब गिफ्ट पहले क्या था, पापा पैसा नहीं भेजे हैं बैंक में नहीं है क्या करें, अभी देखता है ससुरा बर्थडे आ गया है क्रेडिट कार्ड है ये है, खचाक से लगाओ 40 दिन बाद पापा अगले महीना का पैसा भेजेंगे उसी में एडजस्ट कर देंगे, ले जाओ उसको गिफ्ट दे दो, उसको पार्टी शार्टी दे दो, ये खर्च बढ़ा देता है। मान के चलिए आप ले गए, उसको सोचे कि 500 रुपया का गिफ्ट दे देंगे, पता चला उस ससुरी फोड़ रंग के चला एकदम लाल भभकौगा ठोड़, आप तो कहें कि वाह अब इसको हम 3,000 का गिफ्ट दे देंगे, लो अब उस जानबूझ के उठोड़ रंगी है, उसको क्या जा रहा है आप फोड़ रंगी हो वो। अब बताइए अगर आपके पास डेबिट कार्ड रहेगा और डेबिट कार्ड में मान के चलिए आपका 500 रुपये है, तो आप इसको 3,000 का गिफ्ट कैसे दीजिएगा, तो पापा को फोन कीजिएगा बैंक में पैसा लगा दीजिए, तो पापा 3 दिन बाद लगाएंगे तब लेकर फोड़ पे का फोड़ रंगना चू जाएगा यहाँ पर, इसमें काम आएगा क्रेडिट कार्ड, देखेंगे इस ससुरा थोड़ा रंग ले है धाक से क्रेडिट कार्ड से, लाओ तुमको हम शॉपिंग करके देते हैं 3,000 रुपया का, तो जो 500 रुपया था 3,000 इसको क्या गया 200 रुपया का थोड़ा रंग ली, और थोड़वा रंग ले के बाद है क्या आएगा दुकुंची बॉर्डर बना देती है सब करिया रंग से ताकि और भव के ऐसे ससुरा पुता गया इसका ऐसे समझा गया कि नहीं, क्रेडिट कार्ड में खतरा हो जाता है। अब देखिए आपने इसको अगर एक बार गिफ्ट दे दिया 3,000 का, तो अगली बार अगर आप इसको 500 का गिफ्ट देंगे तो कहेगी आजकल खर्चा कम हो रहा है दूसरे जगह चक्कर है का ससुरी, तो नहीं का RBI के मशीन धही ले का वो कह देगा आप, इसीलिए इस सब चक्कर में मत पड़िए वरना क्रेडिट कार्ड के चक्कर में बहुत ज़्यादा कर्जा हो जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगा। अच्छे से रहिए, डेबिट कार्ड में जितना पैसा है उतने खर्चा कीजिए, होशियार बनिए, क्रेडिट कार्ड में गिफ्ट देने की जरूरत नहीं है। देखिए ये कितना होशियार है, डेबिट कार्ड पर चल रहा है, इसको ले आया है पार्टी में सतुआ पिया रहा है, अपनों सतुआ रखा है यो सतुआ रखा है, 10-10 रुपये में सतुआ घोर के पी रहा है, बिहार पानी यही सही है सतुए है ना, अरे वही हो गया यहाँ पे। देखो भाई कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप कितना भी गिफ्ट दे दो, सारे स्टूडेंट से कहते हैं आप चाहे कितना भी शॉपिंग करा दो, महंगे से महंगा गिफ्ट दे दो, आप टेडी बियर दे दो जितना मर्जी महंगा से महंगा टेडी बियर दो, वो इससे नहीं खेलेगी, जब भी खेलेगी तो वो आपके करियर के साथ खेलेगी और जिंदगी बर्बाद करेगी, इसलिए बेटर है कि अपने लाइफ पर ध्यान दीजिए, अपना करियर बनाइए, इस सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे। आजकल तो ससुराल फैशन हो गया है, टेडी बियर का फैशन, डेरी मिल्क का फैशन, ज़्यादातर जिसके पास टेडी बियर रहता है ना देखिएगा वो टेडी बियर ज़्यादा चांसेज है कि वो खुद नहीं खरीदा होगा, ओकरा कोनो और गिफ्ट दिया होगा, तो जितना सबके पास टेडी बियर रहता है देखिएगा कोनो ना कोनो को गिफ्ट देले है, और लड़का भी कम नहीं है, अगर कोई लड़का डेरी मिल्क खरीद रहा है ना तो ज़्यादा चांसेज है कि वो खुद नहीं खाएगा, वो दूसरे को दे जाएगा, और लड़कवा कम होशियार है, लड़की के लगता है कि डेरी मिल्क दे रहा है, अरे वो चट्टा बहुत होशियार है, उसको पता नहीं है कि ये अभी फंसेगी कि नहीं, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट कम करना चाहता है, सोचता है कि 10 रुपया में पहले इन्वेस्टमेंट करके देखते हैं कि शेयर हमारी ओर आएगा कि नहीं, तो जब देखेगा ओहो ठीक ठाक आ रहा है तो 10 रुपया की जगह 40 वाला डेरी मिल्क धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करता है। खैर हम लोग टॉपिक पे आते हैं अपने, तो ये आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में अंतर समझ में आ गया, दोनों में से कौन सेफ है, ज़्यादा सेफ डेबिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड सबको नहीं मिलता, आपके पास ज़्यादातर लड़कों में डेबिट कार्ड ही होता है, क्रेडिट कार्ड जिन पर बैंक को बिलीव होता है वही देता है, ये क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड इन दोनों को हम लोग कहते हैं प्लास्टिक मनी कहा जाता है। अब इन क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो यानी ATM पर आप इसके बैंक का अपना नाम तो देखे होंगे, जैसे यहाँ यूनियन बैंक है, अलग अलग बैंकों के जैसे यहाँ SBI बैंक है, तो बैंक के नाम तो देखे होंगे, साथ ही साथ आप यहाँ पे देखे होंगे रुपए लिखा होगा, वीज़ा लिखा होता है या फिर मास्टर कार्ड लिखा होता है, यही तीन आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जैसे 50% मार्केट कैप्चर किया हुआ है वीज़ा, 30% करके रखा है मास्टर कार्ड, और 20% करके रखा है आपका ये रुपे कार्ड, हालांकि रुपे अब देखिएगा तो रुपे का भी प्रचलन बढ़ गया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त
यूज़ में होते हैं। आखिर ये क्या चीज़ है सब, तो समझिए क्या चीज़। शुरुआत में जब बैंक एटीएम कार्ड को इंट्रोड्यूस किया गया था तो जिस बैंक का एटीएम है, जैसे आईसीआईसीआई का एटीएम है, तो आप आईसीआईसीआई की ही एटीएम मशीन से आप पैसा निकाल सकते थे पहले। अब ना ऐसा हो गया कि किसी भी बैंक का एटीएम है, किसी भी बैंक के एटीएम में घुसाड़ दो, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले जिस बैंक का एटीएम है उसी बैंक में वो काम करता था। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ा, लोगों को बैंक से जोड़ा गया, जनधन योजना में तो पूरा लोगों को बैंक से जोड़ने की बहुत अच्छी कोशिश थी, तो जब बैंक में बहुत भीड़ बढ़ने लगा तो पता चला किसी को इमरजेंसी में ज़रूरत है, उसके पास एसबीआई के एटीएम देख रहा है सबसे एचडीएफसी में तो निकलवे नहीं करे। तो ऐसा पहले सिस्टम था, मतलब एकदम शुरुआती दौर में जब एटीएम की नई नई खोज थी। तो ऐसा होता क्यों था, देखिए ध्यान से। मान के चलिए कि किसी का एसबीआई में खाता है, मान के मेरा एसबीआई में खाता है सपोज, और हम चले गए एटीएम पैसा निकालने पंजाब बैंक से, तो उसमें एटीएम कार्ड घुसाएंगे तो उसको क्या पता कि हम कौन है। हमने खाता एसबीआई में खुलवाया है तो मेरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, मेरे अकाउंट में कितना पैसा है, ओटीपी वगैरह सब एसबीआई को पता है। कार्ड एसबीआई ने दिया, हम उसको कोच देंगे, उसको पता नहीं, वो मशीन कहेगा कौन हो भाई, हम नहीं पहचानते हैं तुमको, पता ही नहीं चलता था। क्यों? क्योंकि ये अब ये बैंक वाले एक ही रास्ता है कि ये डाटा अपना सारा सामान पीएनबी को बताए, अलग अलग बैंकों को दे, मतलब सारे बैंक अपने ग्राहकों के बारे में जानकारी सबको बता दे यहाँ पर, इससे अभी तो पैसे निकल सकता था वहाँ पर। इससे घाटा क्या होता था कि हर बैंक दूसरे बैंक के कस्टमर को चाहेगा फोड़ ले, क्योंकि अगर उसको डाटा पता चल जाएगा, अब मान के चलिए आईसीआईसीआई को पता चला गया एसबीआई में 100 सबसे अमीर आदमी पता चल जाएगा किसका पैसा, तो उसको फ़ोन करेगा सर हम आपको ज़्यादा सुविधा देंगे, है कि नहीं, तो उसको डिस्टर्ब करने लगे नहीं देखते, फ़ोन करके कहेंगे सर नमस्कार मैं जहरीली बोल रही हूँ आईसीआईसीआई बैंक से, क्या मैं आपको काट लूँ, तो आप कहेंगे नहीं मत काटिए। सोचो दिन भर फोन करके परेशान करते रहता है सर, तो बैंक अपना पैसा निकाले देगा कैसे। तो इसी में काम आता है कार्ड नेटवर्क। कार्ड नेटवर्क क्या है समझिए ध्यान से, अलग अलग बैंक है, मान के चलिए आप पीएनबी है, यहाँ एसबीआई है, आईसीआईसीआई है, तो जितने भी बैंक है इन ये आपको एटीएम देते हैं, तो उस बैंक को कहते हैं कार्ड इशूअर। अब इसमें कार्ड इशूअर में क्या होते हैं, बैंक होते हैं। तो हर बैंक में जैसे मेरा खाता मान के चलिए आप एसबीआई में है, तो मेरी जानकारी एसबीआई के पास है, तो एसबीआई क्या करेगा, कार्ड नेटवर्क को मेरी सारी जानकारी दे देगा। जो मेरे कार्ड पर नेटवर्क लिखा होगा, जैसे वीज़ा लिखा होगा या मास्टर कार्ड या रुपए, तो मेरी जानकारी दो लोगों के पास चली गई, पहला चला गया मेरे बैंक जिसमें मेरा खाता है, दूसरा ये जानकारी इनके पास चली गई। अब इनका नियम होता है कि ये जानकारी किसी से साझा कर ही नहीं सकते। नहीं सर। अब क्या होगा कि मान के चलिए मेरा एसबीआई में पैसा था, हम चले गए आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में से पैसा निकालने के लिए, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को मेरे बारे में पता ही नहीं है, और वो डायरेक्ट एसबीआई से पूछ नहीं सकता है, और पूछेगा भी तो एसबीआई इनको बताएगा नहीं, कहेगा मना कर देगा, तुम भड़का लेगा मेरा कस्टमर। तो एसबीआई अपनी जानकारी किसको दे रखा है, कार्ड नेटवर्क को। मान के चलिए कि मेरे पास वीज़ा कार्ड था, तो मेरी जानकारी वीज़ा के पास भी थी, तो सेंट्रल बैंक का एटीएम मेरे एसबीआई से मेरी जानकारी नहीं मांगेगा, मेरे नेटवर्क से वीज़ा से मांगेगा, और वीज़ा उसको प्रोवाइड करा देगा कि हाँ भैया आदमी ठीक ठाक है, पैसा इनके पास है, आप इनका पैसा निकाल के दे दीजिए। तो अब आप समझ गए कि किसी भी बैंक से एटीएम दूसरे से निकल सकता है, किसके माध्यम से, कार्ड नेटवर्क के माध्यम से, डाटा इन्हीं के पास रहता है, और यही आपके ओटीपी सेफ्टी की तो गारंटी हो गई। देते हैं अलग अलग सुविधाएं, देते हैं आपका नंबर ब्लॉक करते हैं, ये सब करते हैं, इसके बदले में यही चार्ज लेते हैं। लेकिन ये बताते नहीं है कि हम 500-600 रुपया सालाना आपसे चार्ज जो ले रहे हैं हम ले रहे हैं। ये क्या करते हैं, कार्ड इशूअर बैंक को कहते हैं कि देख भैया तोरा ग्राहक है, कार्ड यूज कर रहा है, हर साल 500 रुपया काट लेना, हमको पहुंचा देना। अब आप सोचेंगे 500 रुपये में इतना सुविधा, सोचो भैया हर घर एक घर में एक दो एटीएम है, तो उतना करोड़ों रुपये ये तो कमा रहे हैं ना, पूरी दुनिया से कमा रहे हैं ये लोग। तो इस तरह से ये काम होता है। अब जैसे मान के चलिए हम पैसा निकालने गए एसबीआई से, कहाँ पे, पीएनबी में, तो पंजाब नेशनल बैंक जो है, हम जैसे इसमें अपना कार्ड लगाएंगे तो ये जानकारी किससे मांगेगा, उसको पता है कि एसबीआई का ये एटीएम है, हमने जो इसमें लगाया है कार्ड वो एसबीआई का, लेकिन ये एसबीआई से मांगेगा नहीं, किसको, इसको पता है कि वो एसबीआई नहीं देगा, तो ये किससे मांगेगा, कार्ड नेटवर्क से। अब कार्ड नेटवर्क मेरा मास्टर कार्ड भी हो सकता है, या कार्ड नेटवर्क मेरा वीज़ा भी हो सकता है। वीज़ा भी। अब ये वीज़ा से कहेगा कि पता करो तो किस अकाउंट में, तो कहे हाँ हाँ हमको पता है एसबीआई में इनका अकाउंट नंबर है, फला फला फला, तुम सेव नहीं करना, एटीएम कार्ड एटीएम मशीन किसी के डाटा को सेव नहीं कर सकती, तो इसको बताएगा पैसा निकल जाएगा यहाँ, समझा क्या कि नहीं। अब बात आती है कि इन तीनों में बेस्ट कौन है, रुपे, वीज़ा या मास्टर कार्ड, इनमें से बेस्ट कौन है। तो देखिए
ये यूएस की कंपनी है, भारत में ये 50% मार्केट कैप्चर की हुई है, ये भी यूएस की कंपनी है, भारत में ये लगभग 30% मार्केट कैप्चर की है। इसका कहना है कि भैया हम आपका पैसा जो है ये नेशनल भी दे सकते हैं और इंटरनेशनल भी दे सकते हैं, मतलब आप विदेश में से भी पैसा निकालना चाहिएगा तो हम दे सकते हैं, समझ में आ गया कि नहीं। अब जबकि भारत ने अपना रुपे कार्ड बनाया, ये शुरुआत में केवल इंडिया में चल रहा था, लेकिन रुपे कार्ड में भी एक प्लेटिनम कार्ड होता है रुपे का ही, वो इंटरनेशनल भी चलता है। तो अब ये तीनों इंटरनेशनल करते हैं, लेकिन वीज़ा ले लेंगे तो ये इंटरनेशनल चलाएगा ही चलाएगा, मास्टर कार्ड लेंगे तो इंटरनेशनल चलाएगा ही चलाएगा, लेकिन रुपे लीजिएगा तो आपको स्पेशल कहना पड़ेगा कि हमको इंटरनेशनल भी काम है, हमको रुपे का प्लेटिनम दे दीजिए। अब लोगों के माइंड में, भारत के लोग में ना शो ऑफ करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। देखिएगा कोई कार खरीदेगा ना तो कहीं जाएगा बैठने के लिए तो कार का चाबी टेबल पर रख देगा, वो ये नहीं बताएगा कि हम कार से ही ले हैं, चाबिया दिखाएगा बड़ा कार कि हमारे लगे कार है, लोग समझ आ गया कि नहीं, बस यही हो जाता है। अरे भैया किसी के अकाउंट में 25,000 रुपया है और कहता है हमको वीज़ा कार्ड चाहिए, रुपये नहीं, 25,000 रुपया लेकर तू लंदन ना जी तो घूमे ससुर यहाँ पे क्या काम है उसको। हिंदुस्तान में जितना वीज़ा कार्ड यूज होता है उसका 90% लोग विदेश कभी नहीं जाते हैं, लेकिन ना उनको वीज़ा चाहिए यहाँ पर। अरे भाई वीज़ा आप लीजिएगा तो हर साल 500 रुपया लेगा, लेके जाएगा अमरीका, लेके रखिए ना रुपे कार्ड, और आपको बहुत शौक है तो रुपये आप ले लीजिए, कहिए हमको प्लेटिनम दीजिए, हमारा डेली जाना रहता है न्यूयॉर्क बैंकॉक सिंगापुर घूमते रहिए यहाँ पर। तो भाई स्वदेशी बनिए, हाथ जोड़ते हैं, हमारा देश है, हम ही लोग इसे आगे बढ़ा सकते हैं। हम लोग अपने चाइना वाले कभी यूज़ नहीं करते हैं इस सब का, उनका अपना पेमेंट गेटवे वो लोग यूज़ करते हैं, तो आप लोग भी भैया रुपए यूज़ कीजिए, दिखावे में मत रहिए, दिखावे से कुछ नहीं होता, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो अपने आप को शो ऑफ मत कीजिए, सिंहासन पर बैठने की कोशिश नहीं कीजिए, खुद राजा बनिए, जहाँ बैठेंगे वहीं सिंहासन आ जाएगा, लोग वीजा चाहिए यहाँ पर। तो इन तीनों में अंतर समझ में आ गया। अब समझिए ये विदेशी कंपनी थी सब, अब इन विदेशी कंपनियों में एक खराबी क्या थी कि ये आपका डाटा तो ले लेते थे, चाहे वो वीज़ा हो या मास्टर कार्ड हो या फिर कोई भी, आपका डाटा ले लेते थे। अब ये डाटा सेव कैसे करेंगे, जैसे हम लोग को कोई जानकारी सेव करना है, मेरा नाम मोबाइल नंबर सेव करना है तो आप अपने मोबाइल में सेव कर लेते, मेरा फोटो सेव करना है तो खींच के गैलरी में सेव कर लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ सेव करना है तो आप पेन ड्राइव में करते हैं, उससे भी बड़ा हो गया तो हार्ड ड्राइव में सेव करते हैं, और बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया का डाटा रखना है तो ऐसा बहुत ज़्यादा हार्ड ड्राइव को सेव करने के लिए डाटा हाउस बनाना पड़ता है, बहुत बड़ा पूरी बिल्डिंग होती है ससुरा इतना बड़ा बड़ा, जिसमें ये हार्ड ड्राइव होता है, इसी में सबका डाटा होता है। अब मास्टर कार्ड क्या था, उसका ये डाटा वाला जो सेंटर था इस ससुरा इंडिया में था ही नहीं। अब भारत सरकार ने 6 अप्रैल 2019 को ही कह दिया था कि अब हम उसी कार्ड नेटवर्क, चाहे वो वीज़ा हो रुपे हो, रुपे तो इंडिया का ही है, या मास्टर कार्ड ही हो या कोई भी कार्ड हो, उसे भारत का डाटा भारत में ही रखना होगा, उसे डाटा सेंटर भारत बनाना होगा, विदेश नहीं ले जा सकते उस डाटा को। आप कहेंगे चला भी गया तो क्या होगा, हो जाएगा भाई। अब अगर डाटा वो अमेरिका में लेके चला गया तो अमेरिका की कंपनी को पता है कि फलनिया के अकाउंट में 2 लाख है और किसी के अकाउंट में 2 करोड़ है, वो कंपनी क्या करेगी, अमेरिका को बेच देगी। तो अमेरिका के प्रचार वाले क्या करेंगे, उस व्यक्ति को गूगल या व्हाट्सएप या फेसबुक या यूट्यूब के थ्रू 2 लाख वाले को कम सस्ता कार का प्रचार दिखाएंगे, हाई कार ले लीजिए, हाउ कार ले लीजिए, उसको पता है कि सस्ता वाला आदमी, और जिसके पास 2 करोड़ है उसको दिखाएगा ये ले लीजिए, ऑडी लीजिए, बीएमडब्ल्यू लीजिए, मर्सिडीज लीजिए, टेस्ला, इससे फायदा उसको हो जाएगा। सारा खेल डाटा का चल रहा है। आप गूगल पे एक बार सर्च कर लीजिएगा ना कि हमको लकड़ी का अलमारी, आप देखिएगा 3-4 दिन तक आपको लकड़ी की अलमारी का प्रचार कबो कबो बीच बीच में से चलाता है, किस चीज़ का खेल हो रहा है, डाटा का। तो सरकार ने कहा कि हमारे डाटा का यूज हमारे यहाँ करना चाहिए ताकि हमारी कंपनियाँ अपना कस्टमर को चुन सकें। अब पता चला कि आप कोनो आदमी को 20,000 रुपया है, उसको कहिए कि देखो लंबोर्गिनी ऐसा है, क्या करेगा लंबोर्गिनी लेके। तो भारत सरकार ने कहा 6 महीने में आपको डाटा लोकलाइजेशन इंडिया में करना होगा, लेकिन ससुरा कोरोना कूद गया, फर्स्ट वेव सेकेंड वेव सब के बाद सरकार ने कहा कि 22 जुलाई 2021 आज के दिन तक हो जाना चाहिए। इस डेट तक में भी मास्टर कार्ड ने नहीं किया तो आरबीआई ने कह दिया कि मास्टर कार्ड अब नए कार्ड को इशू नहीं कर सकता है, जितना इशू कर लिया है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मास्टर कार्ड ने भी कहा कि ठीक है भैया हम कर लेंगे, तब तक तो आरबीआई ने कहा कि ठीक है जैया कर लेना, भारत में ऐसा डाटा बिल्डिंग बना लेना, खूब ज़्यादा हार्ड ड्राइव खरीदना, सबको आपस में लिंक करके उसमें खूब अच्छा एसी चला के रख देना, तो हम तुम्हें परमिशन दे देंगे। समझ में आ गया, तो आप ये कार्ड वगैरह समझ गए। इसके अलावा भी आप देखेंगे तो बैंकिंग में काफ़ी टर्म्स होते हैं,
जैसे चेक भरने का तरीके में कैसे चेक होते हैं, बैरियर चेक, क्रॉस चेक, अकाउंट पेज चेक, ऑर्डर चेक, ये इकोनॉमिक्स के सवाल में CGL या SSC में एक क्वेश्चन इससे पूछ देता है। साथ ही पैसे ट्रांसफर में देखेंगे आजकल UPI बहुत चल रहा है, बैंक में जाएंगे पूछेगा NEFT करना है, RTGS करना है कि IMPS करना है, इसमें क्या अंतर होता है। बैंक अकाउंट में भी टाइप देखिएगा तो सेविंग हो सकता है, करेंट हो सकता है, रिकरिंग अकाउंट जिसे RD कहते हैं, फिक्स डिपॉजिट जिसे FD कहते हैं, डीमेट अकाउंट जिसमें शेयर मार्केट खुलता है, NRI जो बाहर में काम करते हैं उनके लिए अकाउंट, तो अलग अलग अकाउंट में क्या डिफरेंस होते हैं। साथ ही आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए जैसे बुढ़ापा में मान के चलिए पतोह भगा दी तो कहाँ से खाइएगा, या इस सब चीज़ के लिए एक होता है प्रोविडेंट फंड, भविष्य के लिए रखा हुआ पैसा, तो प्रोविडेंट फंड के बारे में भी क्वेश्चन पूछता है। अब इतना बड़ा वर्ड तो बोलिएगा नहीं, प्रोविडेंट फंड बुढ़ौती में पतोह भगा देगी तो हम इसी से खा के जिएंगे, तो ऐसा नहीं ना बोलेंगे। तो प्रोविडेंट फंड को शॉर्टकट में क्या कहते हैं, PF कहते हैं। अब इससे सुरा PF जो होता है प्रोविडेंट फंड कई टाइप का होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड EPF कहते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड EPF कहते हैं, हालांकि आपको यही दो ठो मिला होगा, PPF और EPF सुने होंगे, इसमें काफ़ी विवाद भी हुआ था कुछ दिन पहले, हालांकि दो ठो और होता है GPF और VPF, इस सब के बारे में भी आपको समझा देंगे कभी। फिर आप अगर ये PF समझेंगे तो फिर आपको स्टॉक समझना पड़ेगा, म्यूचुअल फंड समझना पड़ेगा, इस सबको किसी ऑन वीडियो में समझा देंगे। आज आपको प्लास्टिक मनी यानी ATM, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इस सब के बारे में समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। जय हिंद सर। वाओ, आई मीन इतने अच्छे से प्लास्टिक मनी के बारे में बिल्कुल तरीके से सर ने समझा दिया कि जो चीज़ें, कई सारे पॉइंट्स थे इसमें जो मतलब मुझे नहीं पता थे, ठीक है, लिटरली मुझे नहीं पता थे। क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड काफ़ी सारे पॉइंट्स थे जो नहीं पता थे, थोड़ा कम पता था क्रेडिट कार्ड के बारे में, ATM वगैरह ये सब तो यूज़ करते हैं तो पता ही है, लेकिन मतलब पूरी वीडियो में सर ने डिक्टो बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन देकर समझाया, और काफ़ी अच्छी वीडियो थी यार। आई होप यार आप लोग को भी पसंद आई होगी और काफ़ी सारे आपके भी पॉइंट्स सॉर्ट आउट हुए होंगे, है ना, इस वीडियो को देख के। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ऐसे ही आने वाली और भी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी।